मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ बीए पार्ट सेकंड के परिचय दोयम के तहत समाजी या अदबी मौजू पर मज़मून निगारी का एक सवाल आपके इम्तहान के पर्चे में आता है, उसी के तहत आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू का मौजू रहेगा उर्दू शायरी और कौमी यकजहती। जब हम उर्दू ज़बान की पैदाइश के सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं तो मालूम ये होता है कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है, मखलूत ज़बान है, जो मुख्तलिफ मरकज़ी और मकामी बोलियों के इख्तलात या मेल मिलाप से पैदा हुई है। और ये इख्तलात ही उर्दू ज़बान की कौमी यकजहती का संगे बुनियाद है। यानी जो ज़बान बाज़ दीगर ज़बानों बोलियों का सहारा लेके उनकी विसातत से आलम वजूद में आई, वो कौमी यकजहती की मजहर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उर्दू शायरी में कौमी यकजहती किस अंदाज में हमें देखने को मिलती है। हज़रत अमीर खुसरो की शायरी, जो ये समझिए कि उर्दू शायरी का नक्श अव्वल है, वो शायरी इस किस्म की है कि उसमें भी तमाम मज़ाहिब, तमाम अक़वाम से मेल मोहब्बत और अख़लाक़ व इंसानियत का पैगाम मिलता है। हम जब आगे चलते हैं तो मीर तकी मीर का ज़माना या गालिब की शायरी, ये भी हमें कौमी यकजहती की मिसालें पेश करती हुई नज़र आती हैं। गालिब के इतने सारे तलामिज़ा थे जिनमें गैर मुस्लिम हजरात की भी खासी तादाद रही। कौमी यकजहती के सिलसिले में कहा जाता है कि सबसे पहले हिंदुस्तानियों के लिए लफ्ज़े कौम का इस्तेमाल हाली ने अपनी शायरी में किया। हाली की बहुत सी ऐसी मंजूमात हैं जो हमें ये बताती हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ ज़बानों, मज़ाहिब, उसूल व नज़रियात के मानने वाले लोग रहते हैं। मुख्तलिफ फ़िरक़ों में जो तहज़ीबी रिवायात हैं वो हमारी कौमी यकजहती को मजबूत करते हैं। हाल ही ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी। वो ये कहते थे कि घर में चार लोग होते हैं तो आपस में इख्तलाफ भी होता है, लेकिन इख्तलाफ में इख्तलात का पहलू मुज़मिर होता है। इसलिए ऐ हिंदुस्तानी लोगों, यानी मुसलमानों हिंदुओं नहीं, हिंदुस्तानी लोगों, तुम आपस में लड़ो भिड़ो, लेकिन तुम कैसे लहरों की तरह लड़ो, लहरों की तरह लड़ो मगर एक रहो। ये मिसरा है उनका, यानी जिस तरह समंदर की लहरें आपस में टकराती हैं लेकिन बाद में वो एक हो जाती हैं, वही मुतालबा हाल ही ने अपनी शायरी में किया। इसी तरह से अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि हाल ही ने कौमी यकजहती या कौमी शायरी का जो ख्वाब देखा था, इकबाल की शायरी उस ख्वाब की ताबीर मालूम होती है। इकबाल की शायरी के तीन अदवार हैं और पहले दौर से लेकर आखिर दौर तक इकबाल कौमी यकजहती के हामी रहे, जिसकी मिसाल इस तरह पेश कर सकते हैं कि शुरुआत में जो हिमाला जैसी नज़्म उन्होंने तख्लीक की थी वो
इब्तदाई दौर की नज़्म है और उनकी आखिरी नज़्म, आखिरी दौर की नज़्म कह लीजिए, जो उनके इंतकाल से 2 साल पहले 1936 में तख्लीक की गई थी, वो तमाम नज़्म शुआए उम्मीद जिसका उन्वान है, ये बताती हैं कि इकबाल कितने कौम परस्त इंसान थे। आज के लिए इतना ही, इसी गुफ्तगू को हम कल फिर जारी रखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।